वजीर, तुम्हारी जुरत कैसे हुई हमारी प्लेट के आलू खाने? बादशाह सलामत, ये मैंने नहीं खाए, थोड़ी देर पहले कुत्ती खा रही थी। इस प्लेट में कुत्ती ने खाया हो, हम वो साला नहीं खाएंगे। बादशाह सलामत, कोई फर्क नहीं पड़ता, खा ले। हमारे लिए चटनी का इंतजाम किया जाए। मैं अभी गया, फिर ना आया। हम तेरे शहर में आए हैं टमाटर की तरह। हम तेरे शहर क्या कर रहे हो? तुम्हें नजर नहीं आता मैं चटनी बना रहा हूँ? चटनी मुझे चाहिए। फिर मैं किसी से रोटी खाऊंगा? ये आलू तुम ले लो और मुझे चटनी दे दे। ठीक है, चटनी तुम ले जाओ, आलू मुझे दे दे। भूखे बादशाह का वजीर हूँ, वो सामने मैं। तुम अगर भूखे बादशाह के वजीर हो तो अभी बस कर दो। वो क्यों? क्योंकि भूखे बादशाह का पहला वजीर मैं था। मेरी हालत तुम्हारे सामने है, आगे तुम्हारी मर्जी। अच्छा, मैं अभी चलता हूँ, आपकी बात पर फिर गौर करूंगा। अच्छा सलामत, चटनी ले आया हूँ। वजीर, भूख से अंगूर तरबूज वगैरह आ रहे थे, इतनी देर क्यों कर दी? बादशाह सलामत, आने जाने में टाइम लगता है, पैर फरियादी खड़ा था, वो आपसे मिलना चाहता है। रोटी आप खा ले, फिर आपसे मिलवाता हूँ। नहीं वजीर, रोटी मैं बाद में खाऊंगा, पहले तुम फरियादी को ले आओ। सलामत, मैं अभी फरियादी को ले आता हूँ। हाँ फरियादी, क्या बात है? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, गोश्त खाने के लिए पैसे नहीं, लिहाजा मुझे आज गोश्त लाए। बादशाह सलामत ने खुद आलू की बोरी खरीद रखी है, तुम्हें गोश्त कहाँ से खिला? सलामत, पिछले दिनों भी मुझे पकड़ लिया था, 3 दिन मुर्गी के साथ बंद कर दिया। अच्छा फरियादी, तुम जाओ, हम पहले मुर्गी का इंतजाम करेंगे, फिर आपको बुलाएं। सलामत, जिंदगी ऐसे फजूल गुजर रही है, कोई अच्छे काम भी कर लिया करें जिससे लोगों को फायदा हो। आप ठीक कहते हैं, तुम्हारी बात पर गौर करते हैं।